हरियाणा के जो 275 पूर्व विधायक XMLA उनको करीब 29.5 करोड़ रुपए की सालाना की पेंशन मिलने लग रही है। ये जनता के पैसे की लूट है, जनता के पैसे के ऊपर डकैती है। जब पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर वन टर्म वन पेंशन का सिस्टम लागू हो चुका है तो हरियाणा में भी जो है ये पेंशन इनकी खत्म होनी चाहिए। आम पब्लिक है उसको 1500 रुपए की 2000 रुपए की पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है, पेंशन मिलती नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ये जो पूर्व विधायक हैं, करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च करते हैं, इनको ये पेंशन किस लिए मिल रही है? ये पेंशन जनता के पैसे के ऊपर डकैती है, ये तत्काल बंद होनी चाहिए, हमारी इसकी ये मांग है। हरियाणा विधानसभा सचिवालय से हमें जो पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में अभी 7 अप्रैल को जो सूचनाएं मिली हैं RTI में, वो बड़ी चौंकाने वाली सूचनाएं हैं। इसके मुताबिक हरियाणा के जो 275 पूर्व विधायक XMLA उनको करीब 29.5 करोड़ रुपए की सालाना की पेंशन मिलने लग रही है। इसमें सर्वाधिक जो पेंशन है कैप्टन अजय सिंह यादव जो रिवाड़ी से XMLA हैं उनको 2,38,100 रुपए की पेंशन मिलने लग रही है। इसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व CM हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको करीब 2,25,00,000 रुपए की पेंशन मिलने लग रही है। पूर्व CM चौधरी भजन लाल की जो विधवा हैं मैडम जसमा देवी जी, उनको 1,00,000 रुपए की पेंशन मिलने लग रही है बतौर विधवा होने के नाते, और 68,000 रुपए की पेंशन मिलने लग रही है उनको बतौर XMLA होने के नाते। इसके अलावा जो कर्ण सिंह दलाल हैं पलवल से XMLA, श्री रामविलास शर्मा हैं XMLA, इन दोनों को 1,91,500 रुपए की प्रत्येक को हर महीने पेंशन मिलने लग रही है। चौधरी वरिंदर सिंह डुमर खां इनको 1,76,000 रुपए की हर महीने पेंशन मिलने लग रही है। इसके अलावा जो अशोक अरोड़ा जी हैं जो पहले INLO में थे अब कांग्रेस पार्टी में हैं, उनको 1,60,000 रुपए की महीने की पेंशन मिलने लग रही है। अनंत सिंह डांगी को 1,68,200 की पेंशन हर महीने मिलने लग रही है। कृष्ण लाल पवार जो भूतपूर्व परिवहन मंत्री रही हैं उनको 1,99,200 रुपए की, करीब 2,00,000 रुपए हर महीने की पेंशन कृष्ण लाल पवार जी को मिलने लग रही है। ये जनता के पैसे की लूट है, जनता के पैसे के ऊपर डकैती है। जब पड़ोसी राज्य पंजाब के अंदर वन टर्म वन पेंशन का सिस्टम लागू हो चुका है तो हरियाणा में भी जो है ये पेंशन इनकी खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको 1500 रुपए की 2000 रुपए की पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है, पेंशन मिलती नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ये जो पूर्व विधायक हैं, करोड़पति हैं, करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च करते हैं, इनको ये पेंशन किस लिए मिल रही है? ये पेंशन जनता के पैसे के ऊपर डकैती है, ये तत्काल बंद होनी चाहिए, हमारी इसकी ये मांग है।